लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वेलकम माय टू फैमिली, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है अलकेव मस्ती। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको महिला आवास योजना के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आप सबसे करना चाहूंगा कि हमारे देश में जो घटना हुई है, हमारे वीर जवान जो शहीद हो गए, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों को सत सत नमन करते हैं हम सब मिल करके। और उनके लिए अगर कुछ करना है दोस्तों, उनके परिवार वालों के लिए, तो हम सब डोनेशन कर सकते हैं जो कि हर जगह से आजकल हो रहा है। आप पेटीएम से भी कर सकते हैं, फ़ोन पे से भी कर सकते हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ आप सबको कि आप फ़ोन पे पर जा करके किस तरीके से आप डोनेशन कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ मोबाइल पे स्क्रीन पर देख के। जैसे ही आप फोन पे जाएंगे, फ्रंट पे ही आपको ये देखिए, स्टार्टिंग में ही देखेगा, इस पर आप टच करेंगे और सीधे यहाँ से सीधा आप जो भी आपको भेजना हो वो आप अमाउंट भेज सकते हैं, जो हमारे वीर जवानों के नाम से ही देखिए अकाउंट है, भारत के वीर। इसमें आप जो भी करना हो, जो भी, ये तो इच्छा अनुसार है, दिल की बात है, आप कुछ भी कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं महिला आवास योजना के बारे में। तो दोस्तों, महिला आवास योजना जो है वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो फैजाबाद रोड पर चल रहा है। और इससे पहले भी मैंने कई वीडियो इसके बारे में बनाए हैं, लेकिन उसमें जो जानकारी मैंने दी है, जो वहां पर दिखाया मैंने जगह, उसके केवल फोटो दिखाए थे। लेकिन आज के वीडियो में मैं पूरा ले चल के आपको वहां पर दिखाऊंगा कि अभी तक वहां पर कितना काम हुआ है, और ये सारी चीजें भी दिखाऊंगा कि वहां पर किस तरीके से आप पेमेंट शेड्यूल क्या है, किस तरीके से पेमेंट दे करके आप वहां पर ले सकते हैं। एक और नई चीज अभी है कि पहले तो 1100 रुपए का फॉर्म था, लेकिन आप डायरेक्टली बुकिंग आप करा सकते हैं 99,000 से। तो उसमें प्लॉट फ्लैट जो है वो अलग अलग रेंज में है, मतलब अलग अलग कॉस्ट है उनकी। तो वो सारी चीजें मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो आइए जान लेते हैं कि उनकी कॉस्ट क्या है और किस तरीके से पेमेंट देना है, और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं साइट पे और देखते हैं कि वहां पर कितना काम हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे सारी चीज़ें हैं, कहां से कितनी दूरी ये दिखा रहा है, इसको पुश करके आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि इसमें आपका जो फ्लैट है, अलग अलग सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, सबके अलग अलग रेट हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ये देख सकते हैं आप कि कैसे क्या बुकिंग होनी है। इसमें 3 BHK भी है और 2 BHK भी है, दोनों का भी आप देख सकते हैं कितने स्क्वायर फिट में है, क्या है, सब कुछ पुश करके आप ये पढ़ लें, पूरा ठीक से आप देख लें। उसके बाद में दोस्तों, पेमेंट का भी इसमें दिया हुआ है, देखिए पेमेंट कैसे करना है ये भी आप पूरा देख सकते हैं। ये पूरा दिया हुआ है इधर कि पेमेंट आप 10%, फिर 15%, इस तरीके से जैसे जैसे उसमें काम होता रहेगा आप पेमेंट देते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इटावा में इस तरीके से बना करके दिया गया है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी बनेगा, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। और इसमें ये पार्क वगैरह भी बना करके दे रहे हैं, और अंदर का जो रहेगा वो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से अंदर का भी बना करके दे रहे हैं, ये आप देखिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी हम लोग आ गए सफेदाबाद, और सामने एक बोर्ड नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं वहां पे बाराबंकी 9 किलोमीटर लिखा हुआ है, और यहाँ से बाराबंकी सिटी जो है वो 9 किलोमीटर है, और यहाँ से प्रोजेक्ट की दूरी बहुत ज़्यादा अगर है तो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, यहाँ से 1.5 किलोमीटर प्रोजेक्ट की दूरी है जो महिला आवास योजना प्रोजेक्ट है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फैजाबाद मेन हाईवे है, ये आपका मेन हाईवे फैजाबाद, और यहीं से ये रास्ता जो है ये जाता है महिला आवास योजना पे। ये वाला रास्ता जो जा रहा है ये सीधे महिला आवास योजना पे जा रहा है, और ये देखिए आप, ये महिला आवास योजना का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से जो दूरी है वो 900 मीटर की, आप देख सकते हैं कि 900 मीटर यहाँ से अंदर महिला आवास योजना प्रोजेक्ट है।
इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए थे उसमें आपको जन्नत सिटी के अंदर से जो रास्ता था उससे लेकर गया था मैं, लेकिन ये मेन रास्ता है और उसके बाद जो जन्नत प्रोजेक्ट है मैक्स इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का, उसके अंदर से भी तीसरे फेज से रास्ता है उस पर, वो रास्ता भी मैं लौटते वक्त आपको दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से चलते हैं महिला आवास योजना प्रोजेक्ट पर और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है। अभी आइए तो दोस्तों देख सकते हैं आप महिला आवास योजना पर हम लोग आ चुके हैं और ये उसका काम चल रहा है और ये एंट्री जो है उसकी यहाँ से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंट्री है महिला आवास योजना की और ये जो गेट का काम हो रहा है, देखिए यहाँ पर गेट बन रहा है इसका और यहाँ से ये एंट्री हो रही है और ये करीबन 40 फीट का रोड जो है वो अंदर जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये यहाँ पर काम किस तरीके से चल रहा है। बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा है और बहुत जल्द ही बन जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ सामने जो है इधर कार पार्किंग बन रही है इस तरफ और एंट्री सामने से रहेगी ये, और जो फ्लैट बनेंगे वो आपके इस तरफ बनेंगे, यहाँ पर जो फ्लैट हैं वो इस तरफ बनेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैट पूरा जो बनेगा यहाँ से सामने तक काफ़ी दूर तक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो महिला आवास योजना है वो यहीं पर बन रहा है, महिला आवास योजना के जो फ्लैट हैं वो यहीं पर बन रहे हैं और मैंने आपको बता भी दिया कि यहाँ पर रेट जो है वो क्या क्या रेट है, सारी चीज़ें मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा दी हैं। तो देख सकते हैं आपकी बहुत अच्छी लोकेशन है और काम जो है वो चल रहा है, आप देख सकते हैं कि पीछे काम चल रहा है और जो फ्लैट बनेंगे वो आपके इधर ही बनेंगे, इस तरफ बनेंगे और इस तरफ बनेंगे, ये दोनों तरफ जो है फ्लैट यहाँ पर बनेंगे। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि आपको 25% देने के बाद EMI प्लान मिल रहा है जो विदाउट इंटरेस्ट है, यानी कि आप 25% दे करके उसके बाद इसमें आप EMI प्लान ले सकते हैं 24 महीने का, यानी कि 2 साल तक आप आराम से पैसा दे सकते हैं। एक ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके अलावा दूसरी जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपने देखा होगा, मैंने स्क्रीन पे दिखाया था अभी पहले, कि उसमें आप जो है थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे सकते हैं, जैसे कि उसमें स्टार्टिंग में 25% दे दिया, फिर उसके बाद 15% दे दिया, फिर 10% दे दिया कुछ दिन बाद। तो जैसे जैसे यहाँ काम होता रहेगा वैसे वैसे आपको देना रहेगा, यानी कि इसमें आपका 2020 दिसंबर में इसमें आपको पोजीशन मिल जाएंगे, यानी कि दिसंबर में आपको ये कंप्लीट बिल्कुल हो करके मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी इसमें लगभग मान के चलिए 40 से 50 फ्लैट जो है वो बचे हुए हैं जो आपको मिल सकते हैं, वो डायरेक्टली उसकी बुकिंग आप करा सकते हैं 99,000 से और 1,25,000 से, यानी कि जो 2 BHK है उसकी बुकिंग जो हो रही है वो 99,000 से हो रही है और जो 3 BHK है उसकी जो बुकिंग हो रही है वो 1,25,000 से हो रही है। और उसके बाद दोस्तों 25% आपको दे करके फिर EMI करा लेना है, वो चाहे आप 24 मंथ की करा लें। और एक बात और है कि अगर आप अपने बैंक से यहाँ पर लोन कराना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, उसके लिए जो भी पेपर चाहिए होंगे वो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन से आप बात कर सकते हैं कॉल करके। उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा वही मैक्स इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का नंबर है, आप उसी नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और स्क्रीन पे भी नंबर दिए दे रहा हूँ मैं, स्क्रीन पे भी आप नंबर नोट करके बात कर सकते हैं मैक्स से बात करके, अगर उसमें बुकिंग करानी है या उसके अलावा और कोई भी चीज़ें आपको पूछनी है तो वो सारी जानकारी आप इसके बारे में ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम अभी यहाँ से वापस चलते हैं और आपको ये भी दिखाते हैं कि जन्नत जो प्रोजेक्ट चल रहा है लगभग वो 100 बीघे का प्लान है जिसमें जो मैक्स इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो सारी चीज़ें बना करके दे रही, वहाँ प्लॉट्स हैं। तो आइए यहाँ से निकलते वक्त जो है मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये जो जगह है ये जन्नत के फेज 3 में आ रही है, यानी कि वहाँ से बगल में आपका पूरा प्रोजेक्ट वो कंप्लीट होगा पूरा टाउनशिप और उसके बाद ये इधर कंप्लीट हो रहा है, इसमें भी पूरी गेटेड कॉलोनी रहेगी। तो दोस्तों आने वाले टाइम में आप तो जान ही रहे हैं कि ये जगह जो है ये अभी तो फ़िलहाल बाराबंकी में आती है, लेकिन आने वाले टाइम में बाराबंकी भी ये पूरा ग्रोथ इतना हो रहा है कि आने वाले टाइम में ये भी लखनऊ में आने वाला है और उसके अलावा यहाँ तक मेट्रो भी आएगी।
बाराबंकी जो आपका स्टेशन है वहाँ तक मेट्रो भी आने की संभावना है आने वाले वक्त में, यानी कि आप उसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उन्नाव है जैसे और बाराबंकी है, यहाँ तक कि मेट्रो आ सकती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं, जन्नत से होते हुए निकलते हैं यहाँ से। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये साइड जो है वो आप सब लोग पहले देख चुके हैं, जन्नत सिटी, लेकिन कुछ यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैंने कहा लाओ इसका भी थोड़ा सा आपको झलक दिखा दें। और इसी के पीछे फेज़ थ्री में जो आपका महिला आवास योजना था, अब वहाँ से हम लोग आ गए हैं जन्नत के फेज़ वन में, जो आप देख सकते हैं कि बगल में बिल्कुल मेन हाईवे है, रोड ये देखिए, और मेन रोड हाईवे से ही ये देखिए गेट बना हुआ है, पीछे आपको दिख रहा होगा। तो ये गेट से ही एंट्री है। 60 फीट का रोड जो है वो फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री में जा रहा है, और इसका तीनों का रेट जो है वो इस समय थोड़ा रेट भी चेंज हुआ है। आगे का जो रेट है जो कमर्शियल के पास का है वो है 1599, और उसके बाद सेकंड फेज़ में इसमें 999 का रेट है सेकंड वाला फेज़, थर्ड फेज़ में 699 का रेट है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए नाली वाली का काम हो गया, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए नाली का काम हो गया इधर, ये 25 फीट का रोड है आपका ये वाला, और ये भी रोड बन रहा है। जिन लोगों ने यहाँ पर देखिए ले लिया है वो पूरा सा बाउंड्री वाउंड्री अपना करा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इधर भी पूरा ये बाउंड्री हो रखा है, ये देखिए ये वाला प्लॉट। तो ये पूरा आपका फेज़ वन है जन्नत सिटी का, और इसके बगल से जो निकल रहा है वो 60 फीट का रोड निकल रहा है जो आपका फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री में जा रहा है। तो दोस्तों अगर इस जन्नत सिटी में भी यहाँ भी अगर आपको प्लॉट चाहिए तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके करा सकते हैं, और महिला आवास योजना में फ्लैट लेने के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, वंदे मातरम।